कल रात मेरठ कैंटोनमेंट गांधी बाग एरिया में 7:30 से 8 बजे के आसपास राहगीर द्वारा तेंदुए जैसा वन्यजीव देखा गया, जिस सूचना पर पुलिस विभाग और वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत वहां पर कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एहतियातन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अवगत कराया गया है। किसी भी सुनसान क्षेत्र में अकेले ना जाएं। वन्यजीव अगर दिखाई देता है तो सूचना सबसे पहले वन विभाग की टीम को दें ताकि इस पर त्वरित एक्शन किया जा सके। इसके अतिरिक्त कल रात के बाद 2 से 3 वीडियोस तेंदुए के वायरल किए जा रहे हैं जिनका संबंध मेरठ से नहीं है। कल भी टीम को पूछताछ में ऐसे कई संदिग्ध व्यक्ति मिले जिन्होंने कि वायरल वीडियो बिना जांचे परखे फॉरवर्ड किया है। मैं जनता से अपील करता हूं कि बिना जांचे परखे व्हाट्सएप पे वीडियोस ऐसे शेयर ना करें जिससे कि दहशत का माहौल होता है या गलतफहमी या रूमर्स को बढ़ावा मिलता है। कृपया वन विभाग और पुलिस विभाग का सहयोग करें ताकि हम इस एक्शन में सफल हो सकें। धन्यवाद। सीएमसी टोटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन से नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए और पाएं बेहतर पिक्चर क्वालिटी। सीएमसी देता है आपको नए एवं पुराने कैमरों की सर्विस की भी सुविधा। सीएमसी इसलिए भी बेहतर है, यहाँ पर क्वालिफाइड टेक्निकल इंजीनियर द्वारा कैमरों की सर्विस की जाती है। यहाँ पर मिलेंगे आपको जेन 1 प्रोडक्ट विद एक्स्ट्रा वारंटी। संपर्क करें 716 सेक्टर 2 शास्त्री नगर मेरठ।